आज हम बात करने वाले हैं क्यों आयुर्वेद द्वारे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हमें मिलती है। सेटिस्फैक्शन उन पेशेंट्स को भी जो आयुर्वेद फॉलो करते हैं, और सेटिस्फैक्शन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को भी जो पूरे विश्वास से आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। ये वीडियो स्पेशली है सभी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और जनरली उन सभी के लिए जिन्हें पता है आयुर्वेद क्या है, और उनके लिए भी जिन्हें पता नहीं कि ये क्या है और ये क्या कर सकता है। कई बार हम एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रकार का विकार है, स्किन का है, न्यूरोलॉजी का है, गायनेक का है, साइकेट्रिक का है, डिप्रेशन का है, कई अलग अलग तरह के विकारों में इतने सालों से प्रॉब्लम है, इतने बार ट्रीटमेंट हो चुकी है, रिअकरेंस, फेलियर, रिलैप्स सब हो गया है, पर क्या आयुर्वेद में कोई दवा है इस प्रॉब्लम के लिए? कई बार शंका रहती है आयुर्वेद में कुछ है भी, ये तो घरेलू उपचार या होम रेमेडीज, बट ऐसा कुछ होता भी है जिसमें पेशेंट को कुछ फायदा हो सकता है? अगेन वील हैव अ डीपर इनसाइट। आज इस वीडियो में कई डीप व्यू से हम बात करने वाले और समझने वाले हैं कि आयुर्वेद रियली व्हाट इट रियली इज। लेट मी टेल यू, फर्स्टली वेरी थैंकफुल माय आयुर्वेदा टीचर्स, माय आयुर्वेदा गाइड, जिनके अंडर मुझे सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली और कॉन्फिडेंस मिला आयुर्वेद प्रैक्टिस करने, पेशेंट्स को रिलीफ करने आयुर्वेद द्वारे, और आयुर्वेदा स्प्रेड करने आगे ताकि लोगों को कुछ पता चले कि आयुर्वेदा क्या है। मेरे टीचर्स, मेरे गाइड, उनका हमेशा से कहना है कि अगर आप दिशा बदलते हो तो दशा खुद ब खुद बदल जाती है। इफ़ यू चेंज योर डायरेक्शन, योर अवस्था ऑटोमेटिकली चेंजेस। हिंदी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड टू चेंज द बोट्स, सिर्फ दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें ये लगता है कि आयुर्वेद में क्या कोई मेडिसिन है भी, या घरेलू उपचार है, या क्या एग्जैक्टली होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज आयुर्वेदा सर, वी आर वेरी शॉक टू सी सच काइंड्स ऑफ मैसेजेस। अगेन इंडिया द्वारे पेशेंट्स के मैसेजेस आना भी कई बार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। सो ये वीडियो में कुछ डीप इंसाइट्स हमें मिलते हैं। पुरानी बातें कुछ अलग थी, पर आज के टाइम पे हम सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस देखते हैं, सुपर स्पेशलिटी डिजीज स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हम देखते हैं, जहां पर एक ही डिजीज, एक ही सिम्टम, एक ही एलिमेंट पर फोकस किया जाता है, जिससे कि कैसे भी पेशेंट को छूटना ही छूटना है, पेशेंट को बाहर आना ही आना है, डिजीज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ट्रीटमेंट। सो एक स्टोरी को समझते हैं ताकि और अच्छी जानकारी हमें मिल सके इस टॉपिक के बारे में, एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी। उससे पहले नमस्ते सभी को, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। ये बात है 8 से 9 महीने लगभग पहले की। एक डॉक्टर, एक्सपीरियंस, रिस्पेक्टेड डॉक्टर, मॉडर्न हॉस्पिटल, कंप्लीट सेटअप नासिक में, सर्जन्स, पैथोलॉजी, स्कैंस, विजिटिंग MD डॉक्टर्स, गुड फ्लो ऑफ पेशेंट्स, एक बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल और खूबसूरत प्रैक्टिस। बट कहीं ना कहीं डॉक्टर को एक अनसेटिस्फैक्टरी फीलिंग थी, प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अंदर से कहीं ना कहीं गिल्ट था, इतने खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। 12 साल की इतनी अच्छी प्रैक्टिस, बट वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि आयुर्वेद में भी कुछ घरेलू उपचार होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिससे कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। अंडर इम्प्रेशन थे डॉक्टर कि आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं होते है, ये सोनार का काम लोहार कैसे करेगा, ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो गया था, और पता नहीं था कि कुछ होता भी है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो जो भी इसके बारे में पता चला, ऐसे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, एस्थेटिक के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, नासिक से मुंबई आना हुआ जस्ट हंसी मजाक के लिए, बस देखने के लिए कि आयुर्वेद के लिए लोग रुकते भी है, या कुछ ट्रीटमेंट लेना भी कभी होता है, या कुछ रिजल्ट्स भी आते हैं, पता भी नहीं था, विच इज़ अगेन नॉर्मल, पता नहीं था, सो दैट्स ओके। सो नासिक से मुंबई यहाँ पर आना हुआ और वेटिंग एरिया में वेट किया, क्यू देखा और एटमोसफियर देखा, ब्यूटीफुल स्टाफ टीम को देखा। ये देखने के बाद काफ़ी सरप्राइज्ड हुए कि पेशेंट्स आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए रुकते भी हैं, उनकी क्यू भी होती है, आयुर्वेदिक दवाई इस तरह से काम भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स के साथ उनका बात हुआ और उन्हें पता चला कि कई अलग अलग प्रकार के विकार, 10 साल का सोरियासिस, 10 साल की आर्थराइटिस, 10 साल की एपिलेप्सी, 20 साल का विकार, 5 साल से विकार, बार बार डिजीज वापस आ रहा है, दबाया जा रहा है, पेन, कहीं ना कहीं एक वाइड स्पेक्ट्रम उन्हें दिखाई दिया कि इतने सारे विकार आयुर्वेद में इसकी दवा होती भी है। उनके रिजल्ट्स पूछे, उनके बारे में जानकारी ली, उनको पूछा कि क्या क्या होता है और
क्या क्या तरह से ट्रीटमेंट चल रही है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुए। आए थे वो एक हंसी मजाक के मूड में कि कुछ होता भी है चलो देख लेते हैं, बट आने के बाद वो काफ़ी सीरियस हो गए। ममता मैम रिसेप्शनिस्ट को उन्होंने उनसे बात किया और उन्हें बोला कि डॉक्टर के साथ थोड़ा समय का टाइम मिल सकता है क्या। सो जब वो कंसल्टिंग रूम में आए तब जाके उन्होंने ये सारी स्टोरी एक्सप्लेन की कि 25 बेडेड का कैसा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न हॉस्पिटल है और क्या उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और किस तरह से उन्हें वो गिल्ट लग रहा है कि आयुर्वेद के प्रति किस तरह उनका जो देखने का नज़रिया था वो क्यों अलग था, कैसे वो गलत साबित हो गए ये देख के कि अरे कुछ है भी। इतने सालों से वो यही स्प्रेड करते आ रहे थे कि सोनार का काम लोहार कैसे करे, ये रोग के लिए आयुर्वेद के पास थोड़ी जाते हैं, ये घरेलू उपचार से थोड़ी कुछ होने वाला, आपको विकार है, ऐसे उनका कई बार कई सालों से कहना था। पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं था, इतने पंचकर्माएँ, विविध प्रकार के ट्रीटमेंट्स है और इतने अलग अलग रोगों की चिकित्सा भी हो सकती है आयुर्वेदा में, ये पता नहीं था। आज के विकार उन दिनों में उनकी ट्रीटमेंट बताई ये उन्हें कुछ घंटे यहाँ पर स्पेंड करने के बाद पता चला, कुछ लोगों के साथ बात करके। मुंबई जैसा एरिया, दादर जैसी जगह, यहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मशीन्स और ऐसे विकार भी ठीक हो सकते हैं नेचुरली, ये उन्हें कहीं ना कहीं नहीं पता था। और तब वो बहुत ही सीरियसली उन्होंने एक बात कही कि मेरा एक हॉस्पिटल है 25 बेडेड का, पर यहाँ मैं अभी कुछ चीज़ें सुनकर काफ़ी सीरियस हो गया और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हॉस्पिटल मुझे एक आयुर्वेदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी मैं उसे चेंज करना है, उसे बनाना है एक सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल और सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा मैं करना चाहता हूँ, क्या मुझे एक हफ्ते यहाँ पर रुकने का या कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिल सकता है। ऑफकोर्स उनका इंटरेस्ट और उनका जो डेस्परेशन है आयुर्वेद के प्रति वो देख के वी सेड यस। पूरा 7 डेज नहीं पर 90 दिन वो यहीं पर रुके, अलग अलग प्रकार के विकार आयुर्वेद और सिर्फ आयुर्वेद द्वारे कैसे ठीक होते हैं ये उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया, उसकी क्या संप्राप्ति है, क्या प्रिंसिपल्स है। उन्होंने ये जाना कि रस औषधि, स्वर्णकल्प, गोल्ड के दवाइयाँ या हर्बो मिनरल दवा तो अलग चीज़, पर सिंपल द्रव्य अनुसार पेशेंट्स की चिकित्सा किस तरह से हो सकती है। अग्निकर्म है, अलाभु चिकित्सा है, विद्ध कर्म है, रक्तमोक्षण है, आसान सी चीज़ों से द्रव्य अनुसार और स्वर्णकल्प द्वारे दीपन पाचन अनुसार प्रिंसिपल को समझ के किस तरह से पेशेंट्स भारत के बाहर थ्रू द ऑनलाइन मेडिसिन द्वारे और इंडिया में प्रॉपर नाड़ी परीक्षा द्वारे, दशविध परीक्षा द्वारे, आयुर्वेदिक परीक्षण द्वारे किस तरह से उनका रूट कॉज पता चलता है सिर्फ नाड़ी परीक्षा करके और किस तरह से राइट तरह की दवा चुनी जाती है वात पित्त कफ के अनुसार और पेशेंट को एक भी तरह से रिलैप्स, रीअकरेंस, डिजीज वापस आया है, बढ़ रही है, ऐसी चीज़ें कहीं नहीं दिखती। किस तरह से मनोविकार हो, त्वचा रोग हो, श्वास रोग हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की कोई कंडीशन हो, किस तरह से विविध प्रकार की कंडीशन, किसी भी तरह की फील्ड आयुर्वेद द्वारे मैनेज हो रही है, वो ठीक हो रही है बहुत कॉन्फिडेंटली 90 दिनों के समय में उन्हें पता चला। और फिर कुछ दिनों पहले हमें एक कॉल आया, रिसीव्ड अ कॉल एंड आई अंडरस्टूड कि वो मॉडर्न हॉस्पिटल आज एक आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आयुर्वेद ने उन्हें सब कुछ दिया, नाम, इज्जत, पैसा आज 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू पास्ट इन अ वेरी राइट वे विथ प्रोवाइडिंग वैल्यू। ऐसे चिकित्सा द्वारे जहाँ पर पेशेंट की ट्रीटमेंट अगर हो रही है तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग के लिए छूट रहे हैं। एज अ प्रैक्टिशनर जब वो दवा देते हैं तो उन्हें फील होता है कि ये दवा जब मैं दे रहा हूँ तो पेशेंट मेरे पास वापस आने ही नहीं वाला, बिकॉज ही इज़ फ्री, कहीं भी हम पीछे नहीं आ रहे, रिअकर नहीं हो रहा, एक स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, चाहे वो कोई भी तरह की केस हो, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी हो, पीडियाट्रिक हो, गायनेकोलॉजी हो, आयुर्वेद द्वारे सभी केसेस मैनेज होते हैं, ठीक होते हैं, उन्हें अभी पता है। सो बहुत अच्छा लगता है कि आयुर्वेद द्वारे डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को इतना ज़्यादा फुलफिलमेंट और इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक बड़ा रीज़न है कि जब हम देखते हैं 100 मेडिकल स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा स्टूडेंट्स की बैच जब निकलती है, 4 से 5 तरह के स्टूडेंट्स सिर्फ होते हैं जिन्हें आयुर्वेदा सीखना होता है या आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना होता है, सिर्फ 4 या 5। बाकी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आयुर्वेद घरेलू उपचार, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसमें कोई चिकित्सा है भी, ये स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। डॉक्टर होने तक भी कई बार इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से या नॉलेज नहीं लेने की वजह से, कहीं ना कहीं जानकारी नहीं होने की वजह से ये सारे मिसकंसेप्शंस हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं।
हमने ये जो डॉक्टर की कहानी जो आपको बताई, शार सूत्र, आयुर्वेदिक सर्जरीज, डिपार्टमेंट विजिट, सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर सर्वांग धारा, ये सारे इक्विपमेंट से पैक्ड उनका आज एक नासिक में बड़ा सा हॉस्पिटल है। आयुर्वेद द्वारे उनको सब कुछ मिला, एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, गुड क्वालिटी स्लीप एंड फुलफिलमेंट। ये वीडियो हम इसलिए भी रिकॉर्ड करें ताकि आपको पता चले कि आयुर्वेद द्वारे सभी केसेस हैंडल की जाती है, इवन इमरजेंसीज भी मैनेज की जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी दिशा बदलना, हम किस तरह से आयुर्वेद द्वारे देख रहे हैं, ये नज़रिए को बदलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ये चीज़ें नहीं हो रही थी, पर आज हम कहीं अलग अलग विविध प्लेटफॉर्म द्वारे देखते हैं कि ये अवेयरनेस हो रहा है। आज के टाइम पे आयुर्वेदा सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस हम देखते हैं। आपको अगर कोई विकार है तो राइट पर्सन को चुनना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, सिर्फ गैस्ट्रो के केसेस, आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजिस्ट, सिर्फ न्यूरोलॉजी रिगार्डिंग आज हॉस्पिटल आज प्रैक्टिस, आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजिस्ट, आयुर्वेदा साइकेट्रिक, हम देखते हैं कि सिर्फ साइकेट्रिक केसेस आयुर्वेद द्वारे पूरी तरह से ठीक हो रहे, सिर्फ साइकेट्रिक प्रैक्टिस। सो जनरल आयुर्वेदा प्रैक्टिस और स्पेशलिटी आयुर्वेदा प्रैक्टिस अलग है। हम देखते हैं किस तरह से स्पेशलिटी आज आयुर्वेदा की देखी गई है, और ये भी देखते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज आयुर्वेदा प्रैक्टिस, हम देखते हैं पोस्ट हिस्टेक्टॉमी वेट लॉस, माने जनरल वेट लॉस नहीं, आपका यूट्रस अगर निकाला गया है उसके बाद जो वजन बढ़ता है उसमें मेरी स्पेशलिटी, ऐसे कई वैद्य दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे इनोवेटिव और यूनिक तरह से स्पेशलिटी होल्ड करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जा रहा है और पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। राइट पर्सन राइट अप्रोच होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये था आज का वीडियो कि कहीं ना कहीं अगर हम दिशा बदलते हैं तो दशा हमारी डेफिनेटली बदलती है। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन, इफ़ वी चेंज हाउ वी लुक एट थिंग्स, द थिंग्स ऑफ कोर्स चेंज फॉर अस। This is very very important, and ये था आज का video. इस video को like और share जरूर कीजिए. Until next time, from Jovi's and the team, look impressive, be progressive.